आइंदा वो काम ना करे। किसी ने सवाल किया, टीवी और वेब मूवीज से ज्यादा आजकल वेब सीरीज का ट्रेंड चल रहा है और इसकी सेंसरशिप भी नहीं होती है, तो लोगों को इस फितने से बचने के लिए आप स्पेशली इस वेब सीरीज के नुकसान बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी ने सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल किया है, वेब सीरीज के ताल्लुक से मैंने हाल में एक आर्टिकल पढ़ा था, बट टेक्निकल कुछ वर्ड्स मैं शायद भूल जाऊं बीच बीच में क्योंकि वो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं बहरहाल, लेकिन वेब सीरीज के ताल्लुक से मैंने जो एक पढ़ा था आर्टिकल, उस आर्टिकल में ये बताया गया था जो कि एक साइंटिफिक जर्नल का था, उसमें ये बताया गया था कि वेब सीरीज ने जो नुकसान किया उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये था कि वीडियो एडिक्शन की तरह वेब सीरीज ले जाती है, चूंकि एक सीरीज को ऐसे टाइम पर वो खत्म करते हैं, मतलब देखिए पहले एक फिल्म होती थी, फिल्म समझ लीजिए अगर बॉलीवुड को ले ले एग्जांपल के लिए, तो फिल्मों का साइज होता 2 घंटे से लेकर 3 घंटे, और हॉलीवुड ले ले तो उसके फिल्मों का साइज 1 घंटा 10 मिनट से लेकर तकरीबन 1.5-2 घंटे होता था, लेकिन वो 2 घंटे के अंदर जो मेंटल कैफियत होती थी और जो बॉडी जो जिसको कहेंगे केमिकल्स को रिलीज करती थी एक्साइटमेंट की वजह से, वो बस हीरो आते जो शुरू करा बमबारी पहले, मतलब अगर बॉलीवुड होता तो आखिरी मारता हो, हॉलीवुड में तो बस पहले सीन से चालू हो जाता, बस मारते ही रहता, मतलब उसको तो बस इंसानियत को मारना हलाल ही रहता, यहाँ से इसको मार उसको मार उसको मार, तो जो कैफियत होती जिस जो एक्साइटमेंट में जाता तो 2 घंटे में लेकिन खत्म, उसके बाद कुछ नहीं था। लेकिन वेब सीरीज का हाल ये हो गया, वो हर सीरीज का एक पार्ट एक फिल्म जैसी अहमियत रखता, फिर नेक्स्ट पार्ट मौजूद है और एक एक दो दो नहीं 60, 70, 75, 100, 150 पार्ट के ड्रामे आ चुके, और ये सीजन 1 है खाली, फिर सीजन 2, फिर सीजन 3, फिर सीजन 4, जिससे एक एक किस्म के लोगों को वीडियोस की लत लग जा रही है। तो ये सीरीज का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम आपको, ये सीरीज आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती है, चूंकि जो मेंटल कैफियत, जो हार्मोन्स और जो केमिकल्स रिलीज होते हैं एक्साइटमेंट की वजह से, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद सीरीज क्या दूसरी सीरीज फिर मौजूद है, दूसरे के बाद तीसरा एपिसोड, चौथा एपिसोड, एपिसोड खत्म, सीजन क्या दूसरा सीजन, तीसरा सीजन, तो बहरहाल आप हालत देखिए, तो उससे लोग एडिक्ट हो गए। अब ये सीरीज का एक प्रॉब्लम एडिक्शन है, दूसरा प्रॉब्लम इसकी सेंसरशिप नहीं होती, चूंकि ये डायरेक्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म्स बना ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, ये वीडियो प्लेटफॉर्म है, ये खुद वीडियो बनाता है, अमेजोन की खुद की ओरिजिनल सीरीज होती है, नेटफ्लिक्स आ गया है जो कि बहुत बड़ा समझ लीजिए जिसको कहेंगे 60-70% के शेयर उसके हैं खाली नेटफ्लिक्स के, तो ये खुद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन हाउस के बगैर प्रोडक्शन शुरू कर दिया, प्रोडक्शन हाउस के अंदर होता है कि फिल्म बनाओ, फिल्म जाती है सेंसरशिप बोर्ड के पास, सेंसरशिप बोर्ड उसको हाँ ना ग्रेडिंग ए, ये पैरेंटल गाइडेंस फला 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 यू सी ग्रेडिंग्स होती है, हाँ सारी चीजें करता था, 16 इयर्स 13 इयर्स 13 प्लस सब करता था, उसके बाद वो फिल्म रिलीज होती थी। अब तो इंटरनेट पे बन रही, दुनिया की किसी कोने में बन रही, कोई सेंसरशिप नहीं है, चूंकि इंटरनेट बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कोई लॉ जनरली उसको एप्लीकेबल नहीं होते, और फिर धड़ल्ले से क्या हो गया, वेब सीरीज विदाउट सेंसरशिप शुरू हो गई, जिसके नतीजे में बहुत ही अश्लील गंदी जिसको बोलेंगे फहाशी भरी वेब सीरीज चालू हो गई है, समझ रहे, इसलिए कि न्यूडिटी इतनी आम हो चुकी है इंटरनेट पर कि कभी कभी न्यूडिटी देख देख के लोग बोर हो गए, तो उनको अब ये न्यूडिटी पसंद आती है, अश्लीलता जो कपड़ों के अंदर है कि पूरी गंदगी रहती है, वही सब सब गंदगी, समझ रहे, तो लिहाजा ये वेब सीरीज ने जो बिड़ा कर किया याद रखिए, और फिर उसके बाद ये झूठे सच्चे हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल कुछ भी लाकर अल्लम गल्लम मिला के कर रहे हैं, मैं कहूँगा इनसे बचे, ये ज़्यादा इंशाल्लाह जी हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, खासतौर से वीडियोग्राफी की लत से बचने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताऊन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने, रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें, जज़ाकअल्लाह।